एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ऋग्वेद में उस परम ब्रह्म परमात्मा के बहुत से नाम कहे गए हैं। ओम शन्नो मित्रः, हे प्रभु तू हमारा मित्र है। शन्न वरुणः, तू हमारा आराध्य देव है। तू हमें व्रतों में बांध कर परम ब्रह्म की तरफ को ले जाता है, उच्चता की तरफ को ले जाता है। शन्नो भवत अर्यमा, इस भाव सागर को पार करने के लिए तू अर्यमा तारणहार बनता है। शन्न इंद्रो बृहस्पति, तू इस विश्व ब्रह्मांड का सम्राट है। तू सब कुछ जानने वाला सर्वोच्च ज्ञान का भंडार बृहस्पति तू ही है। शन्नो विष्णो रुक्रमः, कण कण में समाये हुए हे परम पुरुष तुझको ही प्राचीन ऋषि विष्णु कहते हैं और तुझको ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र परमात्मा का वो स्वरूप है जो हमारे भीतर से अवगुणों को, दुखों को, बीमारियों को द्रवित कर करके बाहर निकाल देता है। विष्णु 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 विष्णु, ओम विष्णु 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 विष्णु, परमात्मा 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 परमात्मा, ओम परमात्मा। हम लोगों का कैसा सौभाग्य है, इधर भागीरथी का तट, गोमुख से भागीरथी बहती आ रही है और इधर से विष्णु गंगा इसमें मिलती हैं। विष्णु गंगा का संगम है जिधर से हम होके आए हैं और इधर से ये जालंधरी जलधारा हिमाचल से आती हुई इस भागीरथी में मिलती है। इधर भी संगम है, इधर भी संगम है और इधर ये बीच में नारायण विष्णु का ये ऐतिहासिक स्थल है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम येत्वा देवो स्त्रिकं मन्यमानः पाप अभद्रमुप जीवन्ति प्रजाः। इस जगत में पापी और दुर्बुद्धि लोग केवल धन कमाने को और विलास में जीवन को ही सब कुछ समझते हैं और उसी में लगे रहते हैं। ना ढोड़े अनु ददासी वामं बृहस्पति चयस इत्ययाय रम। वे लोग परमात्मा को बूढ़े बैल की तरह व्यर्थ और बेकार समझते हैं, उस तरफ को अपनी बुद्धि नहीं ले जाते। वे इस जगत के कोलाहल में, कलह कलेश में फंसे फंसे नष्ट हो जाते हैं। ए शमनवती रियते, ये संसार रूपी ऐसी नदी है जिसमें उद्वेग, कामनाएं, राग, द्वेष, कलह है, इनके बड़े बड़े पत्थर, नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं और इस संसार रूपी नदी में हम सब लोग विचरण करते हैं और इन पत्थरों से टकराते हैं और लहूलुहान होते हैं।
इन पत्थरों से कोई बच नहीं सकता और परमात्मा है अनडवान गाड़ीवान जो अपनी बैलगाड़ी लेके खड़ा है इस नदी के किनारे, इसलिए खड़ा है कि हम उसकी गाड़ी में बैठ जाएं, हम अपनी आत्मा को उस परम ब्रह्म में अर्पित कर दें। उस बैलगाड़ी में बैठने वाले ऋषि मुनि देवता भी संभल के बैठते हैं तो आपस में टकराने से बच जाते हैं, अन्यथा आप समझिए ये नदी बह रही है और इसमें पत्थर हैं और इधर से बैलगाड़ी जा रही है, वो गाड़ी भी हिचकोले लेते इधर से इधर खल्लड़ 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 तो उसमें बैठने वाले इसके कोने उसके लगे उसके उसके लगे उसका सिर उसके सिर में लगा, वे भी शांति पूर्वक इस संसार रूपी नदी को पार नहीं कर पाते, रोते झींकते कलपते लड़ते झगड़ते, चाहे कितने बड़े ऋषि मुनि हों, देवता हों, गुरुमुख हों, कोई भी हो, ये मार्ग सबके लिए एक जैसा है। इसमें सावधान रहने को ही साधना कहा जाता है। सावधान हो के हम उस परम ब्रह्म परम पुरुष की प्रकाशित गाड़ी में बैठें, किसी से टकराए नहीं, कोई हमसे टकरा जाए तो मुस्कुरा के उसको कहें कोई बात नहीं, और यदि आप वहां भी लड़ना शुरू कर देंगे कलेश करना शुरू कर देंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। कर्मों की गति ऐसी विचित्र है, वे कर्म मनुष्य को नचाते हैं, देवताओं को नचाते हैं, सिद्धों को नचाते हैं, नचाने से मतलब है उनकी दुर्गति करते हैं। क्या कहिए कर्मों की गति, हमारे विचार भी कर्म है जो हम सोचते रहते हैं, हमारे शब्द भी कर्म है, मीठे कड़वे शब्द जो हमारे मुख से निकलते हैं, कभी मीठे कभी कड़वे, कभी सुनहरे कभी काले कभी पीले, ये शब्द भी हमारे कर्म है और उनका परिणाम हमारे सामने आता है। और जो हाथों पैरों से हम करते हैं वो तो ठोस कर्म है ही। क्या कहिए कर्मों की गति, कर्मों ने सबको नचा दिया। कर्मों की गति, क्या कहिए कर्मों की गति, कर्मों ने सबको नचा दिया, कर्मों ने सबको नचा दिया। वृंद के शाप ने नारायण विष्णु को पत्थर बना दिया, गंडा के साप ने नारायण विष्णु को पत्थर बना दिया। क्या कहिए कर्मों की गति, क्या कहिए कर्मों की गति, Thank you.
से एक बार नारायण विष्णु शेष नाग की शैया पर लेटे हुए थे, ब्रह्म ध्यान में थे। शेषनाग से उन्होंने कहा, शेषनाग तुम रात दिन हमारी सेवा में रहते हो, तुमने अपना शरीर भी मुझको अर्पित कर दिया। आज तक मैंने तुमको कोई सुख नहीं दिया, कोई वरदान तुम मुझसे मांग लो। शेषनाग ने कहा, प्रभु आपका सानिध्य ही नारायण, आपका सानिध्य ही मुझको देवता बना रहा है, आपको प्रणाम करने वाले मुझको भी प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में रह के मैं धन्य हूं प्रभु, और मैं क्या मांगू कि नहीं कुछ कहो। शेषनाग ने कहा, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे बहरा बना दें। बहरा, किसी की बातों की सुनाई मेरे कान में ना जाए, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी कहे। इतने लोग आपके दर्शनों को आते हैं, चरण वंदना करने आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और फिर पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोलाहल, कलह है, कलेश, वे ध्वनियां गूंजती रहती हैं प्रभु आकाश में और मेरे कानों से टकराती रहती हैं। उन आवाजों के कारण मेरा मन उद्विग्न होता रहता है। मैं तुम्हारे प्रेम को भूलकर उस कलह कलेश में डूब जाता हूं, मुझे बहरा बना दो, कोई आवाज किसी के शब्द मेरे कान तक ना पहुंचे। पर कहते हैं तभी से जो सांप हैं उनके कान नहीं होते, ऐसा कहते हैं। और यहां जहां हम बैठे हैं, यहां पर देवी वृंदा जालंधर की पत्नी वो बड़ी धर्मनिष्ठ सती साध्वी और विष्णु को अपना सर्वस्व मानती थी, उन्हीं की पूजा में लगी रहती थी, पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति के अतिरिक्त कभी भी स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन उसने नहीं किया। उसका विवाह जालंधर से हुआ, पंजाब में जो जालंधर शहर है उन्हीं का है। जालंधर की उत्पत्ति कैसे हुई? इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ विमान में बैठा हुआ, बड़े अभिमान की बातें करता हुआ, अरे हम देवताओं के राजा हैं, अरे हमारे जैसा कौन है, अरे देखो ये सब हमारा राज्य है, ऐसा है वैसा है। कैलाश के ऊपर को उड़ रहा था, नंदीश्वर वहां बैठे थे और उन्होंने वो बाणी सुनी, बड़ा अहंकारी है, उन्होंने उस विमान की तरफ को देखा और वो विमान डुगलाने लगा, संभला नहीं और नीचे आके ढम्म से गिर गए। उसने देखा, कौन है, कौन है, कौन है, किसने मेरा विमान गिराया? प्रभु यहां कोई नहीं, आपके अभिमान ने ही गिराया, और कौन गिरा सकता है देवेश,
आप देवगणों के अधिराज हैं, स्वर्ग के स्वामी। आप जैसा तो त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। नंदीश्वर तुम मेरी हंसी कर रहे हो? नहीं प्रभु, मैं तो यहां इसलिए बैठा हूं, वहां महादेव ध्यान में है। क्या महादेव ने मेरा विमान गिराया? मैं देखता हूं। अभिमान में पागल, बुद्धि खराब, वज्र लेके चला और बर्फ जम गया था जहां शिव बैठे थे। ऐसे ही मारा, वज्र फेंक के मारा, बर्फ गिर गया और शिव को झटका लगा और उनकी समाधि भंग हुई, ध्यान खुला। कौन बदतमीज आदमी? तीसरा नेत्र खुल गया क्रोध से। और उधर वो अग्नि इंद्र के पीछे पीछे चले, इंद्र आगे आगे भाग रहे, कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, कोई बचाओ। त्रिलोकी में घूम के आ गया, वो अग्नि पीछा कर रहे। लौट के वहीं आ गया इंद्राणी ने देवी पार्वती के पैर पकड़े, देवी मेरे सुहाग की रक्षा करो, आप ही कर सकते हो। पार्वती ने वंदना की, शिव से प्रार्थना की, महादेव एक स्त्री के दुख को स्त्री ही जान सकती है, ये देवी शची पतिव्रता है, इसकी आप रक्षा करो, इसके पति की रक्षा करो। शिव ने उस अग्नि को वापस अपने हाथ में लिया, कहा अब ये बताओ इसको कहां फेंकूं, इसको मैं दोबारा मस्तक में नहीं धारण कर सकता, कहीं ना कहीं फेंकना पड़ेगा। कहा प्रभु समुद्र की तरफ फेंक दो। समुद्र में फेंका तो समुद्र ने उस ज्योति को, अग्नि को ग्रहण कर लिया और उससे जालंधर की उत्पत्ति हुई। उसी समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, तो इस रिश्ते से दोनों भाई बहन हुए और नारायण विष्णु के वो साले हो गए। कौन? जालंधर। और जालंधर ने त्राही त्राही करा दी पूरे संसार में। उसने अपनी पत्नी से कहा, वृंदा तू सती है, साध्वी है, तू ऐसा तप कर विष्णु को प्रसन्न कर जो मैं अजर अमर हो जाऊं। विष्णु आए, बोले अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी प्राण तुम्हारी पत्नी के हाथ में, जब तक ये सती रहेंगी, इनका सतीत्व कायम रहेगा, तुम मर नहीं सकते। बस फिर तो वो अहंकार से पागल हो गया और प्रजाओं को दुखी करने लगा। देवलोक में तराही तराही मच गई। देवता शिव के पास गए, महादेव तुम्हारा पुत्र है, वो तुम्हारी अग्नि से उत्पन्न है, उसको समझाओ। वो तो सारे जगत को विनाश की तरफ ले जा रहा है। कहा उसको वरदान मिला हुआ है, मरेगा नहीं। देवगणों की एक सभा हुई, देवताओं की, निर्णय हुआ शिव तो युद्ध करेंगे उससे और विष्णु छल करेंगे उससे। छल युद्ध शुरू हुआ। जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, वरदान है उसको। उसकी पत्नी सती है, पतिव्रता है। देवगणों ने विष्णु को कहा, तुम्हारी सेविका है, तुम्हारी पूजा करती है,
जलंधर का रूप बना के उसका सतीत्व भंग करो। बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता। सबने विवश कर लिया उनको कि देवलोक नष्ट हो जाएगा, विष्णु देवता नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। पिता में ब्रह्मा ने प्रार्थना की, नारायण इस सृष्टि की रक्षा हो नहीं सकती सिवाय तुम्हारे, यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। बहुत दुखी हुए, बहुत विवश हुए, कहा तुम सब देवता मिलके मेरे ऊपर ऐसा कलंक लगवा दोगे जो कभी भी छूटेगा नहीं। देवता अपने अपने तरह की बातें बनाते रहे, अरे अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने देवलोक के लिए क्या कुछ नहीं करते लोग, तुम इतना भी नहीं कर सकते, ये है वो है ऐसा है वैसा है। सबने दुखी कर दिया, विवश कर दिया। तब विवश होके उनको बड़े टूटे हुए हृदय से देवताओं की आज्ञा मानकर देवी वृंदा के महल में वो गई और जलंधर का बेस बनाया, एक रात्रि वहां रुके और देवी वृंदा समझ नहीं पाई कि ये मेरे पति हैं या कोई और है। प्रातःकाल हुआ, उन्होंने देखा अरे ये तो मेरा पति नहीं है, ये तो कोई और है। कहा तुम कौन हो, जल्दी अपने असली वेश में आ जाओ, मेरी दृष्टि से तुम छुप नहीं सकते। विष्णु बेचारे लज्जित, सिर झुकाए हुए अपने असली रूप में आ गए। वृंदा हाहाकार कर उठी, नारायण मेरे प्रभु मेरे देवता, तुमने मेरे ही साथ छल किया, मैं इस सूर्य को आकाश से नीचे गिरा दूंगी, मैं इस पृथ्वी को खंड खंड कर डालूंगी, मैं सती हूं। और उसने श्राप दिया, तुम पत्थर हो जाओ, पाषाण हो जाओ। सारे देवता इकट्ठे हो गए और विष्णु पत्थर बन गए। यही वो स्थान है जहां वो पत्थर बने थे, हम आपको दिखाएंगे उधर ले जाके, वो शिला जिसको हरि शिला, हरि यानी विष्णु पत्थर के रूप में बदल गए थे, यहीं पर है नदी में, आपको ले जाएंगे दिखाएंगे। और वो शिला इतनी लंबी है, यहां तक आती है, ये इधर बना हुआ है वो वहां तक। देवता हाहाकार कर उठे, उधर महादेव ने जलंधर का सिर काट दिया, वह सिर भी वृंदा के गोद में आके गिरा। लो विधवा भी हो गई, सतीत्व भी नष्ट हो गया, अब क्या रह गया। आंधी आने लगी, भूमि डोलने लगी, भूकंप आ गया, उल्लकाएं पिंड आपस में टकराने लगे। तब लक्ष्मी वहां आई, लक्ष्मी ने पैर पकड़े, देवी वृंदा ये संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे क्रोध से नष्ट हो जाएगी, वंदनी का हो जाएगी तो हो जाए, मेरे पास क्या बचा है, मेरा सर्वस्व नष्ट हो चुका है। देवी लक्ष्मी ये सृष्टि रहे ना रहे मुझे इसकी चिंता नहीं। बड़ी मुश्किल से विनय कर करके पैर पकड़ के पता नहीं कैसे कैसे लक्ष्मी जी ने उनके क्रोध को शांत किया।
लक्ष्मी का भाई था जलंधर और वो थी भाभी। कहा भाभी तुम्हारा सुहाग तो नष्ट हो ही गया है, अब तुम मैं अपने सुहाग की तुमसे भिक्षा मांगती हूं। एक स्त्री के कष्ट को दूसरी स्त्री ही समझ सकती है। मैं हाथ फैला के पल्ला फैला के तुमसे भिक्षा मांग रही हूं। और देवी वृंदा ने कहा ठीक है, मैं तो नष्ट हुई सो हुई, लेकिन देवी लक्ष्मी परमात्मा तुमको सुखी रखे, तुम्हारा कल्याण करे। और वहां वृंदा अपने पति के शीश को गोद में लेके बैठ गई और उन्होंने आकाश की अग्नि का आवाहन किया और अग्नि ने उनके शरीर को जलाना शुरू किया और वो सती हो गई, राख हो गई। नारायण विष्णु अपने पिछले जैसे रूप में आ गए, पत्थर से फिर से देवता बन गए। सभी देवताओं के सन्मुख बड़े लज्जित, दृष्टि उठा के बात नहीं कर सकते। कहा हे देवगणों, हे देवी माताओं, मुझे क्षमा करो, मैं वृंदा का अपराधी हूं और आप लोगों के कारण हूं। एक जन्म में इस देवी वृंदा ने तपस्या की थी मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए, अब ये तुलसी के रूप में प्रकट होगी और मैं सालग्राम पत्थर के रूप में इसके निकट रहूंगा। क्या कहिए कर्मों की गति, क्या कहिए कर्मों की गति, कर्मों ने सबको नचा दिया, कर्मों ने सबको नचा दिया। वृंदा के शाप ने नारायण विष्णु को पत्थर बना दिया, वृंदा के शाप ने नारायण विष्णु को पत्थर बना दिया। क्या कहिए कर्मों की गति, क्या कहिए कर्मों की गति। चार वेद पढ़े कोई यक्ष शास्त्रों का ज्ञाता हो, चारों वेद पढ़े कोई या छह शास्त्रों का ज्ञाता हो, धर्मा चरण के विनाश हो, बृहस्पति हो या विधाता हो, धर्माचरण के बिना नाश हो, बृहस्पति हो या विधाता हो। दुष्कर्मों ने देवों को भी, दुष्कर्मों ने देवों को भी, दुष्कर्मों ने देवों को भी स्वर्ग से गिरा दिया, दुष्कर्म ने उन्हें देवों को भी
स्वर्ग से गिरा दिया। क्या कहिए कर्म की गति, क्या कहिए कर्मों की गति, कर्मों ने सबको नचा दिया, कर्मों ने सबको नचा दिया। वृंदा के शाप ने नारायण विष्णु को पत्थर बना दिया, वृंदा के शाप ने नारायण विष्णु को पत्थर बना दिया। क्या कहिए कर्मों की गति, क्या कहिए कर्मों की गति। सृष्टि के प्रारंभ से ही जो लगे पार ब्रह्म के ध्यान में, सृष्टि के प्रारंभ से ही जो लगे पार ब्रह्म के ध्यान में, जब से सृष्टि हुई है तब से हर जन्म में जो परम ब्रह्म की तपस्या कर रहे हैं या इस जन्म में ही पैदा होते ही बचपन से ही बाल्यकाल से ही जो परमेश्वर के मार्ग में लग जाते हैं, वे उन देवगणों के मित्र बन जाते हैं जो परमात्मा के निकट निवास करते हैं और परमात्मा उनका भी मित्र बन जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही जो लगे पार ब्रह्म के ध्यान में, सृष्टि के प्रारंभ से ही जो लगे पार ब्रह्म के ध्यान में, ब्रह्म रूप वे हो गए आदि पुरुष के ध्यान में, ब्रह्म रूप वे हो गए आदि पुरख के ध्यान में, धर्म चरण ने मानस को भी, धर्म चरण ने मानस को भी, धर्म चरण ने मानस को भी देवों का मित्र बना दिया। वाचरण ने मानुष को भी देवों का मित्र बना दिया। क्या कहिए कर्मों की गति, क्या कहिए कर्मों की गति। इंद्र और चंद्रमा इन्होंने अहिल्या के साथ जाके ऐसा छल करा, ऐसा कलंक दोनों को लगा, आज तक धुल नहीं सका। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, महाराज अनुज को इंद्र बना दिया गया, इंद्राणी पे आसक्त हो गए पिछले इंद्र की पत्नी पर, ऋषियों का श्राप मिला और सांप होके जमीन पे गिरे। महादेव शिव नारी बने,
उस आदि पुरुष का तप उन्होंने किया, किस लिए बने? एक बार देवी पार्वती ने कहा, आप हमारी तरह नारी होते तो आपको पता चलता जीवन कितना मुश्किल होता है। आप तो मुक्त आत्मा है महादेव, स्त्रियों के दुख को देखो, कभी समझाए उनका दुख? बचपन से ही पिता भाई के अधीन रहेगी, विवाह के बाद पति के अधीन रहेगी, वृद्धावस्था में फिर अपने पुत्रों के अधीन हो जाती है। नारी का जीवन ही ऐसा है, जब सैकड़ों जन्म के पाप इकट्ठे हो जाते हैं जीवात्मा के, तब उसको नारी का जन्म मिलता है। महादेव तुम क्या जानो, हमसे पूछो, हम स्त्रियां क्या क्या सहन करती हैं? तुम लोगों के सारे अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार सब पानी की तरह पी जाती हैं और फिर हंसती रहती हैं। तुम स्त्री होते तो तुम्हें पता चलता। बोले ठीक है, तो मैं भी एक बार स्त्री बन जाता हूं, तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी। बन गए, स्त्री बन गए। कल उत्तरकाशी में हम गए थे, वहां प्राचीन गोपेश्वर महादेव, वहां उन्होंने महिलाओं को बड़े उपदेश दिए। मेरी बेटियों, तुम में परम ब्रह्म है, लेकिन तुम अपने आप स्वयं ऐसी बनी हुई हो, राग द्वेष ईर्ष्या मत वालापन, किसी की भी बातों में आके कहीं को भी चल लो। पुरुषों की वृत्ति देखिए, कौवे जैसी होती, इनसे सावधान रहो। ये पुरुषों के लिए नहीं है ये उपदेश, आप मत सुनना, माताओं के लिए है। नारी रूप में भगवान शिव ने जो उपदेश दिए थे, उन्होंने कहा, मेरी बेटियों तुम में कमी ना हो तो तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठा नहीं सकता। अपनी कमी को देखो, जो दुख कलेश मिलता है अपने कर्मों से, अपनी खोटी जबान के कारण प्राप्त होता है। तुम देवताओं की भी मां हो, लेकिन अपनी बुद्धि के कारण तुम जगह जगह ठुकराई जाती हो, ठोकरें खाती हो। एक मां जैसे अपनी बेटियों को समझाती है महादेव शिव ने, घूम घूम के नारियों को समझा, पुरुषों को नहीं समझाया। पुरुष तो खुद ही समझदार है, उनका क्षेत्र अलग है, उनका अलग है। तो महादेव शिव भी नारी बने, उस परम ब्रह्म को अपना प्रियतम मान के उन्होंने तप किया। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विद मिलूं दया मैं, हे करुणा सिंधु, मैं दुर्बुद्धि वाली स्त्री कुमति, मेरे अंदर राग द्वेष ईर्ष्या दुर्बुद्धि कितनी भरी हुई है कह नहीं सकते। चंद्र में भी इतने दाग नहीं होंगे जितने मेरे अंदर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। क्या कहिए कर्मों की गति, क्या कहिए कर्मों की गति, फुल संदेवल बाबा कहें जीवन कलंकित न हो जावे, फुल संदेवल बाबा कहें जीवन कलंकित न हो जावे।
जीवन में ऐसे कर्म करो जीवन सुगंध से भर जावे। जीवन में ऐसे कर्म करो जीवन सुगंध से भर जावे। क्या कहिए कर्मों की गति, क्या कहिए कर्मों की गति, कर्मों ने सबको नचा दिया, कर्मों ने सबको नचा दिया। वृंदा के शाप ने नारायण विष्णु को पत्थर बना दिया, वृंदा के शाप ने नारायण विष्णु को पत्थर बना दिया। क्या कहिए कर्मों की गति, क्या कहिए कर्मों की गति। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, हे परम पुरुष तेरा नाम सच्चा, हे परम पुरुष तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, 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 एक तू ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम येत्वा देवी स्त्रिकं मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति प्रजाः। पापी और दुर्बुद्धि लोग केवल धन कमाने और विलास में जीवन में लगे रहते हैं। न ढूढ़े अनुददासी वाम बृहस्पति चयस इत्ययी यारुम। परमात्मा को वे बूढ़े बैल की तरह बेकार समझ के छोड़ देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं। और संसार की तृष्णा में फंसे हुए नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अपने स्वभाव को राग द्वेष से बचाना ये साधना है। और परम ब्रह्म की स्तुति करते रहना ये आराधना है। ये साधना और आराधना इस जीवात्मा के दो पंख हैं। यम नियम सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य मृदुवाणी, दूसरों की बातों का बुरा ना मानना, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को या तो चमका देती हैं या धूमिल कर देते। छोटी छोटी ईंट से बड़े बड़े मकान बनते, छोटी छोटी ईंट निकलने शुरू हो जाए तो मकान ढह के बिस्मार हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों को बतंगड़ मत बनाइए, छोटे छोटे कदम रखिए,
छोटे छोटे कदम रख के मनुष्य पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। किसी से विरोध मत कीजिए, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष मत बांधिए। सब परमात्मा की प्रजाएं हैं, सबका स्वभाव एक जैसा है। कभी मुंह से मीठा मीठा निकलता है, कभी कड़वा कड़वा निकलता है, कभी अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है। ये मनुष्यों का स्वभाव है। इन दोनों के बीच में से एक ब्रह्म धारा जाती है ऊपर को। ये मृदु धारा, ये कटु धारा, विष धारा, और इन दोनों के बीच में ब्रह्म धारा ऊपर को जाती है। इन दोनों से ये त्रिवेणी कही जाती है। ब्रह्म धारा में हम ऊपर को आरोहण करें। भगवान विष्णु के चरणों की छाया में बैठे हैं, उनको बार 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 हम प्रणाम करते हैं। ओम विष्णु 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 परमात्मा 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 पर निराकार 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 तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।